प्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं भी बहुत अच्छी हुई होंगी। तो बच्चों, आइए आज हम ऑनलाइन कक्षा का पुनः आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य पाठ 5, फूल के बोल, जो कि एक कविता है। बच्चों, ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इस कविता के लेखक श्री भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। कविता में कवि ने वसंत ऋतु और फूल के माध्यम से एक दूसरे के महत्व को बताने का प्रयास किया है। बच्चों, किसी भी सफलता या उपलब्धि के पीछे कई लोगों का परिश्रम और संघर्ष जुड़ा होता है, क्योंकि जितना परिश्रम करने वाला परिश्रम करके सफलता को प्राप्त करता है, उतना ही उसके पीछे जो उसे परिश्रम करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वह अपनी सहानुभूति प्रदान कर रहा है, उसका भी अपना एक महत्व है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 5, फूल के बोल। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथुनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आँखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास ये कह उठा वाह। बच्चों, इन पंक्तियों में लेखक ने जहाँ अपने क्यारी में जो फूलों को देखा, उनके रंग बिरंगे फूलों को देखकर उनका मन जो है वो बहुत खुशी से भर गया। उन फूलों की सुगंध से उनके प्राण भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन रंगों को देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हुए। धन्य है वसंत ऋतु, लौटने को पैर जो बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्ना फूल अचानक बोल पड़ा सुनो। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इन सारे फूलों की सुंदरता, उनका खिलना जो है वो वसंत ऋतु पर आधारित है। गर्मी, भीषण गर्मी, जाड़े और पाले को झेलते हुए फूल जो है वो मुरझा गए हैं, परंतु जब वसंत ऋतु लौट कर आता है तो क्यारी का कोना कोना जो है खिल जाता है। रंग बिरंगे फूल जो हैं दोबारा प्रफुल्लित होके खिल जाते हैं और उन्हीं फूलों की क्यारियों में एक नन्हा सा पौधा जो अभी तक मुरझाया पड़ा था, वो दोबारा पुनः उसमें प्राण आ जाते हैं और वो अपनी व्यथा को बताता है। एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ, धन्य है वसंत ऋतु ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वो हमने रची है, हमने। यहाँ पे फूल की मनोव्यथा को लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वसंत ऋतु धन्य है जिसके द्वारा हम फूलों में नया जीवन आ जाता है और हम अपना जीवन पुनः जीने लगते हैं। अब आगे का अध्ययन करते हैं। यानी मैंने, मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ढांव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल, सूरज को तपा है पूरी आयु, एक पांव पर तुमने ऋतु को बखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लौ को भी देख सके, जिसके बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने, मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। उसे यदि जानते तो तुम से भी रंग जाती एक ऋतु। इन पंक्तियों में कवि फूल के मनोभाव को बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस क्यारी में जितने जो फूल पौधे लगे हुए हैं, उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों को, बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं को अपने ऊपर झेला है। बहुत ज़्यादा जाड़ा, पाला और धूप और बरसात में फूल जो हैं वो मुरझा गए और बहुत अथक प्रयास करके उन्होंने मिट्टी में से निकलकर अपने जीवन को प्रारंभ किया है, परंतु जब वसंत ऋतु आई तो उनका जीवन पुनः
सुचालित हो सका। इसमें वसंत ऋतु और फूल एक दूसरे पर निर्भर हैं और यहाँ पे फूल अपनी व्यथा को बताने का प्रयास कर रहा है कि मेरी सफलता और मेरे इस जीवन को आगे बढ़ाने में केवल फूल का ही महत्व और उसी का ही परिश्रम नहीं है, परंतु इसके पीछे वसंत ऋतु का भी उतना ही हाथ है। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है तो उसकी सफलता और उसकी उपलब्धियों में केवल उसी मनुष्य का परिश्रम और संघर्ष जुड़ा नहीं होता है, परंतु उस सफलता को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति उनके पीछे हैं, जो सामने नहीं है परंतु पीछे होके उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, उनका भी अपना महत्व होता है। कविता का सार कुछ इस प्रकार है। कवि कविता के द्वारा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी अपनी सफलता पर इठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सफलता के पीछे किसी न किसी का अथक परिश्रम और संघर्ष होता है। हमें सदैव उनके योगदान को याद रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि अपनी उपलब्धि को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस पर घमंड नहीं करें तथा सफलता और सरलता का जीवन यापन करें। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित संदर्भ सहित व्याख्या मैं आपको दे रही हूँ, जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी अर्थात फेयर कॉपी में करना है। धन्यवाद।